इंदौर शहर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरों की धरपकड़ करने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस थाना राव की टीम द्वारा शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें दो चोरी की घटनाओं का माल जब्त किया गया है, जिस पर धारा 457 और 380 लगाई गई है। आरोपी कैलाश पिता कमरो अलावा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पिंजरा और सुनील पिता मानसिंह बिलवाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम अंजना थाना सरदारपुर जिला धार को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने पास सोने और चांदी के 1,50,000 के आभूषण, 8,000 नकदी और एक मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। चोरी की घटनाओं पर और नकबजन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आदरणीय आईजी महोदय और डीआईजी महोदय के मार्गदर्शन पूरे जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभी अभियान चलाया गया, जिसके तारतम्य में थाना राउंड ने कल एक बड़ी सफलता अर्जित की है। जैसे कि आपने पूर्व में भी आपको ज्ञात होगा कि अनुभाग आज़ाद नगर में तिजाजी नगर और आज़ाद नगर में भी अभी पिछले दिनों में चोरी की इसी वारदातें ट्रेस करनी, उसी क्रम में थाना राऊ में कल जो एक 4 तारीख को घटना हुई थी आनंद लोडा साई नेचर कॉलोनी राऊ में, इनके एक चोरी की वारदात हुई थी जिसमें सोने चांदी के जवाहरात और कैश वगैरह गया था। इस प्रकरण के आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। ये आरोपी टांडा धार जिले के हैं। आरोपी का नाम कैलाश उर्फ किल्लू, पिता कमरू अलावा उम्र 35 साल और सुनील पिता मानसिंह बिलवाल, ये थाना सरदारपुर जिला धार का है और कैलाश जो है वो टांडा जिला धार। आरोपी गणों से 5 जोड़ चांदी की पायजेब, 2 जोड़ चांदी के कड़े, 1 जोड़ चांदी की पायल, 1 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ चांदी की बिछुड़ी और 8,000 रुपये कैश जब्त किया गया। इसके अलावा इन आरोपी गणों से और पूछताछ की गई है, जिससे एक और प्रकरण में राउत थाने के प्रकरण 76/20 में 379 में एक मोटरसाइकिल जो चोरी गई थी वो भी इनसे रिकवर हुई है। ये वाहन चोर भी है तो ये MP09QP4927 ये मोटरसाइकिल भी इनसे सीज की गई है। तो इस तरह से एक बड़ा कदम है और ये एक लिंकेज बता रहा है कि हमारा क्षेत्र जो है वो चूँकि धार जिले की सीमा से लगा हुआ है, तो धार जिले और टांडा थाने के विशेष तौर पे आरोपी भी उनका इन्फिल्ट्रेशन होता है और हम इसके जरिए और पूछताछ करेंगे इनसे और भी इनसे जुड़े हुए और भी जो प्रकरण होंगे और भी जो आरोपी इनसे अगर जुड़े हुए उनके समाधान का बरामद हुआ है। कुल मसरूका दोनों प्रकरणों में लगभग 1.5 लाख का मसरूका बरामद हुआ है मोटरसाइकिल समेत और उसमें 8,000 रुपये कैश और बाकी सोने चांदी के जेवरात और एक प्रकरण की मोटरसाइकिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।